ऑल इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक शिव ठाकुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ ड्रिल का अभ्यास कराया गया। अमेठी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेराह वो मोबाइल लूट कर रहे हैं। इसी क्रम में सरे बाजार मोबाइल लूट कर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया। बचकर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर बाइक चढ़ा दी, जिसमें एक बुजुर्ग की जान चली गई। बस्ती के थाना क्षेत्र कप्तानगंज में स्थित खजुआ के निकट नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में चालक सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। कार सवार गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीती रात कार सवार एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर घायलों की मदद में हाईवे के देवदूत प्रमोद ओझा भी पहुंचे और पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कार सवार महिला समेत 6 घायलों को अस्पताल भिजाया। कार चालक घंटों कार के क्षतिग्रस्त मलबे में फंसा रहा। बता दें कि पुलिस टीम ने घंटों मेहनत के बाद कार में सवार सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। बुलंदशहर में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने पर डीपीएस का शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। जनपद में आए दिन शिक्षक ही वैश्य दरिंदे बन रहे हैं। आरोपी शिक्षक क्लासरूम में छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। कक्षा 8 और 10 की छात्राओं ने ये शिकायत दर्ज कराई है। स्कूल प्रबंधन ने हिंदी के शिक्षक की शिकायत की। डीपीएस की इंटरनल इंक्वायरी के बाद डीपीएस के वाइस प्रिंसिपल ने शिक्षक पर बुलंदशहर कोतवाली देहात मुकदमा दर्ज कराया। पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 354 के तहत FIR दर्ज की गई है। बुलंदशहर में शांति कानून व्यवस्था आपसी सौहार्द बनाए रखने साथ ही आमजन को भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से एडीजी मेरठ जोन राजीव सुभरवाल ने पैदल रूट मार्च किया है। डीजी ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, SSP श्लोक कुमार सिंह, SP सिटी, SP क्राइम, ASP सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एडीजी से आपसी संवाद भी किया। किसी भी प्रकार की समस्या और साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति आदि के बारे में एडीजी ने आमजन से जानकारी भी ली। बुलंदशहर पुलिस द्वारा टॉप 10 में शामिल अपराधी को अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। थाना नरसेना पुलिस द्वारा अधिसूचना के आधार पर टॉप 10 अपराधी राशिद को गुरसुपुर रहायश से अवैध असलाह कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के नगर सिकंदराबाद में अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस मनाया गया। भारत देश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस का शुभारंभ हो गया है। बुलंदशहर में जगह जगह योग और प्राणायाम कराए गए। नगर सिकंदराबाद में SDM कोर्ट के समीप शहीद पार्क में योग दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। दिनेशपुर में पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून रविवार से दांटू मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का तैयारी अंतिम दौर पर है। इस दौरान खेल समिति के सरोज मंडल ने कहा है कि शहीद खुदीराम स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की चुनिंदा 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन मैच 19 जून रविवार को टनकपुर और बरेली के बीच खेला जाएगा। बताया कि प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी के साथ नकद धनराशि भी इनाम के तौर पर दी जाएगी। स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। हमारे जो पुराने फुटबॉल खिलाड़ी थे सुधांशु मंडल,
उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम हर वर्ष प्रतियोगिता कराते हैं, लेकिन दो साल कोरोना के चलते यहाँ पे कोई हम टूर्नामेंट नहीं करवा पाए थे। और ये स्टेडियम जो है, ये खुदीराम बोस स्टेडियम का निर्माण हुआ है, इसमें ये पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। इससे पहले यहाँ पे जो है नेशनल स्तर पर जो है यहाँ पे कबड्डी, सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ऑफिशियली हुआ था। वो पूरे देश के जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सभी टीमें, महिला पुरुष की टीमें यहाँ पे उन्होंने प्रतिभाग किया था। ये दूसरा टूर्नामेंट है और इसमें जो है ये पवित्र रंग क्लब दिनेशपुर जो है आयोजक है और प्रायोजक हिमांशु सरकार जी है, जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और खिलाड़ी और रंगकर्मी भी रह चुके दिनेशपुर के। दिनेशपुर थाना अंतर्गत पीपल पड़ा रेंज से विगत दिनों खनन माफियाओं के द्वारा खनन किया जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर रेता बजरी जंगल से बाहर निकलते समय वन कर्मियों ने रोक लिया था, जिसमें खनन माफियाओं के द्वारा वन कर्मियों के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिसको लेकर वन कर्मियों ने थाने में तहरी देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार आरोपियों खनन माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ के अभियान चला रखा है। दिनेशपुर पुलिस के द्वारा खनन माफिया पुल्हा ग्राम निवासी निशांत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष विनोद जोशी ने कहा कि विगत दिवस खनन माफियाओं के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को गंभीर रूप से मारपीट कर लहूलुहान करने वाले आरोपी निशांत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपना तिलपुरी खुला के पास में वन विभाग के जो हमारे बीट अधिकारी थे उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और सरकारी कार्य बाधा पहुँच रही थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक नामजद मुकदमा मुंजीम रजा उसको आज गिरफ्तार किया गया और बाहर उसको गिरफ्तार की मांग ने पेश किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कन्नौज पुलिस होमवर्क में जुट गई है। एसपी कन्नौज अपनी देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी बारीकियों का रिहर्सल करवा रहे हैं। एसपी बलवे की स्थिति किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की रणनीति में यहां पर जुटे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों की बारीकी सिखाने और परखने को कन्नौज पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण के लिए दी गई ट्रेनिंग का रिहर्सल किया। रिहर्सल में जिले के सभी थानेदारों को उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमित समय अंतराल पर बलवा ड्रिल का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पर एक बलवा ड्रिल था, उसका रिहर्सल कराया गया, जिसमें सभी थानाध्यक्षों ने, सभी क्षेत्राधिकारियों ने भाग लिया और उनके जो वेपन्स थे उनको चेक किया गया और जो उनके एंटी रैट इक्विपमेंट थे उनको चेक किया गया और इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो कराई गई। पुलिस का जनपद कन्नौज में हम लगभग सभी धर्मों, सभी वर्गों से लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनकी जो भी ग्रीवांस है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। कन्नौज में लगातार दो जुम्मे पर हुई हिंसा के मामले पर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंसा फैलाने वालों को सुधर जाने की हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। दर्जन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुरादाबाद पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार उनकी समस्याओं का निदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनते हुए राज्य सरकार की योजनाओं से 20 महिलाओं को अवगत कराया, साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण भी कराया। अब यूपी पुलिस डिजिटल वॉल्टर्स के माध्यम से क्राइम कंट्रोल करेगी। आईजी रेंज बरेली के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने जिले के संबंधित थाना क्षेत्रों के वॉल्टर्स को बुलाकर समीक्षा बैठक की। अपराध संबंधी सूचनाएं देने वाले डिजिटल वॉल्टर्स के नाम गोपनीय रखकर पुलिस अपराध पर शिकंजा कसेगी। हाल ही में जिले में नशे के बड़े कारोबार पर रोकथाम लगाकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चयनित प्रमोद तिवारी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। जिले की सीमा में प्रवेश होते ही प्रमोद के समर्थकों ने फूलमालाओं से राज्यसभा सदस्य को लाभ दिया। यूपी विधानसभा में लगातार जीत का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए बहुमुखी विकास किया है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार राजस्थान से प्रमोद तिवारी को राज्यसभा के लिए निमंत्रित किया था।
परिणामानी पर प्रमोद को विजय श्री हासिल हुई है। आईसीसी मुख्यालय दिल्ली को सील किए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने रेलवे रोड पर भारत सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान नारेबाजी कर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयंत रमोला ने कहा कि देश के भीतर अराजकता का माहौल है, सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बयानों के बहाने परेशान कर रही है। एक और दिल्ली में कांग्रेस शांति सत्याग्रह कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पर सांसदों और कई वरिष्ठ नेताओं से अभद्रता और लाठीचार्ज की गई, जो कि समझ से परे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद भी नगर निगम ऋषिकेश में आउटसोर्स पर रखे गए पर्यावरण मित्रों को प्रतिदिन मिलने वाला मानदेय 500 रुपए नहीं मिल रहा। नाराज होकर पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। चेतावनी दी है कि यदि उन्हें 7 दिन के अंदर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता तो मुजपुर में हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हमारी मुख्य मांग एक ही है, जो उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल माह में एक जीओ जारी किया था, जिसके अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी अस्थाई सफाई कर्मचारी उनका मानदेय 500 रुपये प्रतिदिन कर किया गया था। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं पूरे समस्त उत्तराखंड में उनके सभी कर्मचारियों के 500 रुपये मानदेय कर दिया गया है। जहां देहरादून में कम से कम 2 महीने की तनख्वाह मिल गई है 15,000 रुपये के हिसाब से, मुनि की रेती और हरिद्वार इधर रुड़की के इन सब क्षेत्रों में मिल गई, कहीं कहीं जगह पास भी हो गया। तो नगर निगम क्षेत्र में घोषणा की गई थी कि हम तुम्हारी ये पास हो गया, लेकिन इस बार जो सैलरी आई वो फिर वही पुराने वाली सैलरी आई। श्रावस्ती में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी जमीन पर कई वर्षों से कब्जा जमाए आशियाने पर बाबा का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध कब्जा हटवाया। एसडीएम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया गया। पिछले कई सालों से अवैध कब्जा जमाए निवास कर रहे थे लोग और भिंगा कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर चोरवा भारी गांव का एक पूरा मामला। सभी गाँव में लेखपाल टीम बनाकर हम लोग सरकारी भूमि चिन्हित कर रहे हैं और उन पर भी जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। सभी गाँव में चकमारों को खाली कराया जा रहा है और मनरेगा के तहत उनको बटवाया भी जा रहा है। अभी किशनपुर चौराहा भारी हुए बुलडोजर चला है, क्या मामला है? उन्होंने काफी सालों से चकमार की भूमि पर कब्जा किया हुआ था। जो चकमार की भूमि पर कब्जा करने के कारण उनको नोटिस भी दिया गया था, कई बार उनको समझाया भी गया था, लेकिन उनके द्वारा नहीं हटाया गया तो कल कार्रवाई उसमें कर दी गई, चकमार खुलवा दिया गया। श्रावस्ती में बीती रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक का अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। कोना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहिनीपुर के पास यह हादसा हुआ। श्रावस्ती जिले के सभी ग्राम पंचायतों के गांवों में उजाले के लिए शासन के आदेश के बाद विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का कार्य चल रहा है, जिसमें जिले के कई ग्राम पंचायतों में लाइट लगाई भी जा चुकी है। सरकारी खजाने से लाखों खर्च कर प्रधान ने स्ट्रीट लाइट लगवाई, लेकिन कुछ ही दिन में लाइटें बंद हो गई। वर्तमान स्थिति यह है कि शायद ही किसी गाँव में स्ट्रीट लाइट जल रही हो, लेकिन सरकारी फाइलों में तो गाँव रोशन है। शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है स्ट्रीट लाइट। ग्राम पंचायत में सचिवालय की स्थापना, उसमें कंप्यूटर इस्टेब्लिश करना, गांव पंचायतों पे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट का डायरेक्शन निर्देश आदेश शासन द्वारा प्राप्त हुआ है। उसकी MRP और निर्धारित कंपनियां निश्चित कर दी गई। उससे अलग हटके जहां भी जो भी गांव पंचायत लगवा रही हैं बहुत ही गंभीर कार्रवाई उनके विरुद्ध होगी। आप कृपया जो भी संज्ञान में आपके आवे ऐसा मेरे प्रकाश में निश्चित डालिए, जहाँ लाइटें 1-2 दिन में बंद हो जा रही निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई। चमोली जिले के नारायणबगड़ विकासखंड के बेला गांव के पास तालाब में 34 वर्षीय युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाब में तैरते हुए शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।